तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। ये देखिए, ये आपको बताया गया था जो सेल वॉल होता है यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो ये जो होता है सेल वॉल वह सबसे बाहर की ओर पाया जाता है, आउटर मोस्ट लेयर कह सकते हैं या हाफ कह सकते हैं प्लांट सेल का, यानी कि इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल प्लांट सेल, सॉरी इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, यानी यह जंत कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब यदि देखा जाए, जैसे हम लोग फिगर ड्रॉ किए थे पिछली बार, तो ऐसे बनाया गया था फिगर। तो ये सबसे बाहर वाला जो होता है वह है सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। वास्तव में आपने देखा था, जब सुना था कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको देखा था, तो वास्तव में वो केवल वो सेल वॉल ही देखे थे और कुछ नहीं देखे थे। तो ये है सेल वॉल फाउंड अराउंड ओनली प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है। और याद होगा आपको जो सेल्यूलोज होता है वह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है, यानी कि वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड्स होता है। अब ये जो सेल्यूलोज होता है, सेलवाल होता है, यह मजबूत होता है, मजबूत होता है, और ये क्या करता है, पौधे को जो सेल कोशिका होती है उसको ये मजबूती प्रदान करता है, ताकि उसका शेप निर्धारित करता है, और शेप निर्धारित करने के साथ साथ उसके आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है, और सुरक्षा करने के साथ साथ वह बाहरी आघातों से रक्षा भी करता है, मजबूती प्रदान करता है। ऐसे बात समझ में आ गया। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब अगर देखेंगे तो ये जो सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल पाया जाता है, अब इसका जो निर्माण होता है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो अगर नाइन्थ के लेवल पे देखेंगे तो ये पूछा जाता है किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। क्या काम करता है, तो प्लांट जो सेल होती है, प्लांट सेल उसका आकार निश्चित करता है, और निश्चित करने के साथ साथ उसके आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है, सेलुलोज का बना होता है। बात समझ आ गया। अब इसके बाद से देखेंगे इसका जो निर्माण होता है, जब कोशिका विभाजन होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो कोशिका विभाजन होती है, फिर एक कोशिका है, ये एक कोशिका, इससे आप पढ़ेंगे आगे की जो केंद्र का विभाजन होता है, और केंद्र के विभाजन के पश्चात एक इसमें मिडिल लैमिला का मिडिल लैमिला बनता है, और मिडिल लैमिला बनने के बाद उसके बाद से इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होता है, प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके पश्चात और कुछ समय बाद कुछ और पदार्थों का जमा हो जाता है, उसके पश्चात यहाँ पे दूसरा लेयर बन जाता है, इसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति। इसके पश्चात कुछ और क्रियाएं होती है, और जिसके फलस्वरूप इसमें कुछ और पदार्थों का जमा हो जाता है, और ये टर्शियरी सेल वॉल बन जाता है, तृतीयक कोशिका भित्ति हो जाती है। और जब तृतीयक कोशिका भित्ति बन जाती है, टर्शियरी सेल वॉल बन जाती है, तो ये उस समय तक काफी मजबूत और कठोर जाता है, और इसके ऊपर क्यूटिकल, लिग्निन, सुबेरिन इत्यादि पदार्थों का जमा हो जाता है, और जिसके वजह से ये पूरा का पूरा कठोर हो जाता है। याद होगा आप जो फर्नीचर वगैरह देखते हैं, वह सारे के सारे जो उसमें हार्डनेस होता है वह इसी सेल वॉल की वजह से होती है, यानी कि जो भी हम फर्नीचर बनाते हैं, कुर्सी में लकड़ी, जो भी चीज लकड़ी से जो भी बनता है, वह सारे के सारे जो मजबूती होती है वह इसी सेल वॉल की वजह से होती है। आप जो प्लांट से देखते होंगे तो पौधों में मजबूती होती है, वह इसी के कारण होती है। तो ये हो गया सबसे बाहर, याद हो गया आपको कि ये प्लांट जो सेल वॉल होती है वह प्लांट सेल के सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, दूसरा यह सेलुलोज की बनी होती है, और उसके पश्चात यह क्या करती है, आंतरिक कोशिकाओं की रक्षा करती है, यह हार्ड हो जाती है, इसका शेप निर्धारित करने का काम करती है, और इसका जो निर्माण होता है, जब कोशिका विभाजन होता है यानी केंद्र का विभाजन हो जाता है, तो केंद्र के विभाजन के पश्चात मिडिल लैमिला बनता है, और मिडिल लैमिला के पश्चात प्राइमरी सेल वॉल बन जाता है,
उसके बाद पूरा सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है और टर्शियरी सेल वॉल द्वितीय कोशिका भित्ति बन जाती है और इस प्रकार ये पूरा का पूरा मजबूत हो जाता है। ठीक है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब दूसरा टॉपिक हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देखिए क्या हो गया, अभी चर्चा की सेलवाल सबसे बाहर जो बनाया गया था, जो हम ड्रा किए थे तो सबसे बाहर वाला जो था आपने देखा था कि सेलवाल जो होती है वह केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। अब दूसरा आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलवाल के ठीक नीचे, सेलवाल के नीचे यह मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये जंत कोशिका यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। यानी प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल के नीचे और एनिमल सेल में कही जाए तो ये सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह एक लचीली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब देखिए ये नागेली एंड कार्मर, नागेली एंड कार्मर, में इसकी खोज की थी। नागेलियन कार्बर ने 1885 में इसकी खोज की थी और इसका नाम रखा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। किसने खोजा? नागेलियन कार्बर। कब खोजा था? 1885। क्या नाम रखा था इसका? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद से एक पफेर नामक साइंटिस्ट थे, PFEFFER। आपने देखा कि नागेलियन कार्मर ने सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन की खोज करी थी और उसका नाम रखा सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एक साइंटिस्ट थे पफेर, PFEFFER पफेर ने इसके लिए जो शब्द है, जो टर्म यूज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था। किसने दिया था? पफेर ने दिया था, टर्म दिया था। इसके बाद से अगर देखेंगे तो इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके संरचना के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मॉडल और नमूना प्रस्तुत किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संरचना के विषय में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मॉडल दिया था, जिसमें सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। यानी कि देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट हु प्रपोज मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह लिपोप्रोटीन का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। इसका मतलब हो गया यह लिपिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह बताया गया यह लिपोप्रोटीन का बना होता है, अर्थात यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ये देखिए इसके संबंध में कई बार ये भी देता है, ऐसे लिखा था पी एल एल और पी। इसका मतलब इसके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें सबसे बाहर की ओर जो परत होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, बीच में दो परत लिपिड की बनी होती है और सबसे अंदर की ओर जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह लिपिड लिपोप्रोटीन की, अर्थात लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जिसमें प्रोटीन जो होता है सबसे बाहर की ओर और बीच में लिपिड की परत पाई जाती है। कई वैज्ञानिकों ने, आपने पढ़ा था कि कई वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अपना अलग अलग मॉडल दिया था, अपना मॉडल दिया था। जैसे रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, इसी के पश्चात सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल दिया था।
तो जो फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल है वह मोस्ट एक्सेप्टेबल यानी सबसे ज्यादा स्वीकार्य मॉडल है दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, दिया था कितने सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है तो सुनता दे। तो ये जो मॉडल के विषय में हम लोग अगली कक्षा में जब इंटरमीडिएट का वीडियो होने डालेंगे तो उस पर हम लोग देख लेंगे। अब ये देखिए जो आपने देखा कि क्या होता है, यह प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन का मिलकर बड़ा होता है, यह जो होता है लचीला होता है, फ्लेक्सिबल, क्या होता है ये लचीला होता है यानी कि मुड़ जाता है। इसके साथ साथ यदि कहीं यह टूटता है, यदि पंचर होता है, कटता है, टूटता है, तो ये क्या करता है स्वयं अपनी मरम्मत कर लेता है, क्या कर लेता है स्वयं अपना मरम्मत कर लेता है। और साथ ही साथ यह क्या करता है कि पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है, पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है। और आपने क्लियर इसमें कहां पाया था, सबसे बाहर की ओर लचीला एक्सचेंज करता है पदार्थों का। अब यदि देखा जाए तो इसके काम के विषय में देखा जाए तो फंक्शन ऑफ, यदि हम देखें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला का कार्य, किसका कार्य कोशिका कला का कार्य। तो अगर देखेंगे तो सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन, सुरक्षा, किससे सुरक्षा बाहरी वातावरण से, किसकी सुरक्षा कोशिका के आंतरिक माध्यमों का, यानी कि जो कोशिका के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं सबका यह क्या करता है सुरक्षा करता है। दूसरा इसका मुख्य काम है सेप, SHAPE, यह क्या करता है कोशिका का सेप निर्धारित करता है, सभी कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है तो कोशिका का यह सेप निर्धारित करने का काम करता है, कौन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा काम है रीजेनरेशन, इसका मतलब होता है पुनर्उद्भवन का मतलब ये देखिए, ये अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी प्रकार से ये कट गया है यहां से तो ये क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में ये अपने आप का जो कटा हुआ भाग है इसको जोड़ करके ऐसे पूरा बना देता है, इसको कहते हैं रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। तो यह रीजनरेशन का भी काम करता है, चोट क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत करने का काम करता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यह क्या करता है कोशिका के अंदर और बाहर से लाभदायक पदार्थों को अंदर जाने देता है और अंदर से क्या करता है जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। तो लाभदायक हानिकारक पदार्थों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर पहुंचाने का काम करता है, तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसके अलावा ये देखिए, इसके साथ साथ देखेंगे आपने आगे आप पढ़ेंगे कि जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा सेल वॉल के विषय में पढ़ा, कोशिका भित्ति के विषय में पढ़ा, उसके बाद दूसरे जो ऑर्गेनेल्स है उसमें हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यानी कोशिका कला का, दोनों के कार्य के विषय में हम लोग पढ़े यानी कि सेल वॉल सेल का दूसरा हो गया सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगले टॉपिक में हम और कोशिकाओं को पढ़ेंगे।